कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर गांधी परिवार पिछले 22 सालों से जमा हुआ है, जिसके खिलाफ किसी बड़े नेता ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन लगता है अब पार्टी के नेता भी चाहते हैं कि पार्टी नेतृत्व में बदलाव हो, इसलिए हाल ही में पार्टी के ही 23 नेताओं ने सोनिया के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठा दी। इन नेताओं में कपिल सिब्बल से लेकर आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद जैसे दिग्गज नाम थे। इसके अलावा वो कौन से नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व में परिवर्तन की आवाज उठाई, देखिए उन नेताओं की पूरी लिस्ट। गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, कपिल सिब्बल पूर्व केंद्रीय मंत्री, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से सांसद, मनीष तिवारी श्री आनंदपुर साहिब से सांसद, आनंद शर्मा राज्यसभा सांसद, पीजे कुरियन पार्टी के सीनियर नेता, मिलिंद देवड़ा मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, मुकुल वासनिक पूर्व केंद्रीय मंत्री, जितिन प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व सीएम, एम वीरप्पा मोइली पूर्व केंद्रीय मंत्री, पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, अजय सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज बब्बर यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता, कौल सिंह ठाकुर हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार चुनाव कैंपेन चीफ, कुलदीप शर्मा हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर, योगानंद शास्त्री दिल्ली विधानसभा के पूर्व स्पीकर, संदीप दीक्षित दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद, विवेक तनखा राज्यसभा सांसद। ये वो 23 चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की मांग की, लेकिन पार्टी ने इनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया और सोनिया गांधी का बतौर कार्यकारी अध्यक्ष कार्यकाल बढ़ा दिया गया। यानी इन 23 नेताओं के विरोध से सोनिया गांधी तो कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी से नहीं हिली, लेकिन हाँ इन नेताओं की मुसीबत जरूर बढ़ गई है। अब पार्टी में ही इन नेताओं के खिलाफ आवाज उठने लगी है। यूपी के बड़े नेता जितिन प्रसाद के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। लखीमपुर खीरी कांग्रेस जिला कमेटी ने उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी पेश कर दिया है। 5 महीने में तैयार हुई चिट्ठी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ लिखी चिट्ठी की गोपनीयता का काफी ध्यान रखा था। किसी को भी पत्र की कॉपी नहीं दी गई, हालांकि चिट्ठी का ड्राफ्ट सबको पढ़ाया गया था। इस तरह से पत्र लिखने वाले नेताओं का ये समूह 5 महीने तक रडार से बचा रहा। सूत्रों के मुताबिक इस चिट्ठी पर और भी नेता हस्ताक्षर कर सकते थे, लेकिन योजना लीक ना हो जाए इसके लिए सिर्फ 23 नेताओं के हस्ताक्षर ही लिए गए। नेताओं को चिट्ठी इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि ये 23 नेता सोनिया गांधी के साथ आमने सामने से बार बार मीटिंग करने के लिए वक्त मांगते रहे, लेकिन कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दिया। इसी के बाद चिट्ठी लिखने की योजना बनाई गई। चिट्ठी लीक होने के बाद हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी और CWC की बैठक अगले 6 महीनों में बुलाई जाएगी। कांग्रेस ने इस चिट्ठी में रखी गई चिंताओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करने को भी कहा है।